एवरीवन, माय नेम इज रिमी। वेलकम टू जॉय ऑफ रिम्स। तो गाइस, आज मैं अपनी प्रेगनेंसी सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरी प्रेगनेंसी सीरीज को अभी तक नहीं चेक की है तो उसे जाके ज़रूर चेक करिएगा कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने हर एक वीडियो में दिए हैं, तो वो सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर चेक करिएगा। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है हाउ टू अवॉइड मिस कैरेजेस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मिस कैरेजेस वगैरह हो जाते हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी चल रहा है और मैं ऑलरेडी मॉम हूँ 5 ईयर्स ओल्ड डॉटर की। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहा है और अभी सेकेंड टाइम मैं मॉम बनने जा रही हूँ, तो मतलब उस टाइम पे मेरा कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए वो सारे टिप्स मैं आपको दूँगी। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहली बात का जो ध्यान रखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो है कि कोई भी आपको हैवी वेट नहीं उठाना है और ना ही कोई हैवी एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करना इज़ अ नॉर्मल, मतलब आप एक्सरसाइज नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है वो आप कर सकते हो। और ऐसे यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिसमें आप लिखोगे, सर्च करोगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको दिख जाएगी, तो वो एक्सरसाइज को आप फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई भी हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है पेट के बल, या तो कुछ भी आपको लग रहा है कि आप मोटे होने वाले हो तो आप स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज वगैरह करो, तो वो कुछ भी आपको नहीं करना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो ध्यान रखना है कि आपको रॉ पपाया नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, और साथ ही साथ रॉ कुक फूड जैसे कि जो प्रॉपरली जो है कुक नहीं हुआ है, जैसे एग आप खा रहे हो तो एग को फुल बॉइल्ड एग आपको खाना है। ऐसा ना हो कि एग जो है पूरी तरीके से बॉइल्ड नहीं हुआ है और आप खा रहे हैं, तो उससे भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो और हाई मर्क्यूरी फिश नहीं खाना है, हाई मर्क्यूरी फिश से भी मिस कैरेज वगैरह हो जाता है। और फिश को जो है मैं तो बोलूँगी फ़िश को आप फर्स्ट 3 मंथ्स अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसमें हाई मर्क्यूरी फ़िश है। मर्क्यूरी तो रहता ही रहता है थोड़े कुछ कुछ फिश में, तो इसलिए आप 3 मंथ्स फ़िश नहीं खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में आप फ़िश वगैरह खा सकते हैं जैसे मैं खाती हूँ। और आपको कैफ़ीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ को जो है आपको अवॉइड करना है। आपको मतलब लेना ही नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें आप लोगे तो आपका इससे भी मिसकैरेज वगैरह हो सकता है। और मैं ये बोलूँगी कि अगर आप पहले कभी आपका मतलब एबॉर्शन वगैरह हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है पहले कभी, तो उस केस में क्या है कि थोड़ा सा रिस्क तो रहता है कि दोबारा आप कंसीव कर लियो, तो वो थोड़ा सा रिस्क रहता है कि पहले आपका मतलब खुद से एबॉर्ट हो गया है बेबी, तो सेकेंड टाइम में थोड़ा तो रिस्क रहता है, दिमाग में रहता है कि फिर से दोबारा वो गलती फिर से ना हो जाए। तो उस केस में आप इंटरकोर्स वगैरह भी नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, अगर कुछ भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी पहले भी आपका मतलब मिसकैरेज वगैरह नहीं हुआ है, तो आप इंटरकोर्स वगैरह फर्स्ट 3 मंथ में भी कर सकते हो। वैसे अगर आप डॉक्टर से पूछने जाओगे तो डॉक्टर फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 3 मंथ में आपको मना करेगी करने से, मगर फर्स्ट 3 मंथ में भी किया जा सकता है अगर आपकी नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप कर सकते हो। और पहले अगर कभी भी मिसकैरेज वगैरह हुआ है तो इस एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि ट्रैवल जो है आपको कम से कम फर्स्ट 3 मंथ में करना है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो मैं फिर से बोलूँगी कि आप ट्रैवल फर्स्ट 3 मंथ में भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको जैसे जहाँ पे मतलब रास्ता वगैरह ख़राब है, आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह है, तो वो सारी जगह आपको अवॉइड करनी है। आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो, फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हो, मैंने सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही की है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये कि मेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, अगर किसी की
कि मतलब ऐसा प्रॉब्लम पहले हो चुका है तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ट्रेन वगैरह से आप ट्रैवल कर सकते हो, मगर कभी भी ट्रैवल करने से फर्स्ट ट्रेमेस्टर में और या तो किसी भी ट्रेमेस्टर में एक बार ट्रैवल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट ट्रेमेस्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रैवल करने में मुश्किल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ट्रैवल के टाइम ही मिसकैरेज होता है, जो ये पूरा जंप होता है ना गाड़ी का उसके ही कारण जो है मिसकैरेज होता है। तो इसलिए कभी भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से पहले पूछ लीजिए, डॉक्टर सारी चीज़ें आपकी चेक कर ले। नहीं तो क्या होता है कि ट्रैवल के टाइम पे अगर ज़रा सा भी हो जाता है ना, मतलब ऊबर खाबड़ वाली जगह रहती है, तो उससे क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उससे क्या होगा कि पूरी जो आपकी प्रेगनेंसी है ना बेड रेस्ट पे चली जाएगी और प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा। तो इसलिए आपको सारी चीज़ों का ध्यान देना है, डॉक्टर से आपको पूछना है कि मैं ऐसी जगह जा रही हूँ, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ कि नहीं, आपकी बॉडी उस लायक है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर बता देगी। और मेरे केस में क्या था कि मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था तो हम लोग का क्या ऑलरेडी प्लान मेरा बन चुका था कि हम गोवा जा रहे हैं, तो बस मैंने चेक किया और पता चला कि मेरा पॉजिटिव है। तो फिर उसके बाद हमारा बस 2 दिन बाद ही मेरा गोवा जाने का प्लान था। फिर मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया कि मतलब मैं जा सकती हूँ कि नहीं, मेरा तो पूरा जाने का मन था कि मुझे जाना ही है करके, मतलब कोई, तो डॉक्टर ने मेरी सारी चीज़ें चेक की, सब कुछ बहुत नॉर्मल था। और उस समय तक बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी क्योंकि 5 वीक्स चल रहे थे, मतलब तुरंत चेक किया था और तुरंत मतलब हम लोग गए थे। तो डॉक्टर ने मुझे फिर मैंने बोला कि अगर वहाँ पे कुछ मुझे ब्लीडिंग वगैरह हुआ, कुछ हुआ, अगर मतलब मैं गोवा गई हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उस केस में डॉक्टर ने मुझे एक ये टैबलेट दी थी ड्यूफर्स्टोन करके, तो ये काफ़ी अच्छी ये टैबलेट थी। तो उस टाइम पे मेरे को कैरी करने के लिए बोली थी और बोली थी कि कोई भी वाटर राइड्स नहीं करना है और नॉर्मल आप जाओ, इन्जॉय करो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, रिजॉर्ट में रहो, बस ये कि वाटर राइड्स और जहाँ उछल कूद वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, बाकी आप पानी वानी में थोड़ा बहुत जा सकते हो, बस अपना ध्यान आपको खुद रखना है। और अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो यही वाली टैबलेट मुझे बोली थी कि तुरंत खाने को, तो ये आपके बैग में हमेशा होना चाहिए, तो ऐसे ही मुझे बोली थी उसने। तो फिर मैं गोवा गई, सब कुछ मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, मगर लास्ट डे पे मैं, मतलब 4-5 दिन का हमारा ट्रिप था, तो मैंने 4-5 दिन बहुत इन्जॉय किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर लास्ट डे पे क्या हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया। अगोड़ा फोर्ट करके एक जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, फोर्ट है बेसिकली, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चली। फिर उसके बाद आके शॉपिंग वगैरह भी करने लगी, मतलब फुल डे मैंने सिर्फ वॉक किया है मॉर्निंग से ले कर इवनिंग तक। तो उस केस में क्या हुआ था कि मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग मुझे हुई स्टार्ट, तो मुझे तुरंत पता चला कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो मैंने फट से अपना बैग खोला और वॉशरूम गई, तो देखी सच में ब्लीडिंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने होने नहीं दिया, मतलब थोड़ा सा ही हुआ, मैंने तुरंत ये एक टैबलेट खाया और जैसे ही टैबलेट खाया वैसे ही मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई। और फिर हार्ट बीट तो आई नहीं थी तो मुझे इतना ज़्यादा वो टेंशन नहीं था, चलो ठीक है, अब मतलब ज़रा सा ब्लीडिंग आई है, और डॉक्टर ने बोला था कि अगर ब्लीडिंग आएगी तो आप ये वाली टैबलेट खा लेना, तो मैंने वो टैबलेट खा लिया और फिर उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो गई। फिर नेक्स्ट डे तो हमें बैंगलोर ही आना था, तो हम लोग नेक्स्ट डे बैंगलोर आ गए और फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर देखी बोली कि मतलब अभी हार्ट बीट आने का टाइम हो गया है बेबी का, मतलब 6 to 7 weeks में वैसे आता है हार्ट बीट आने का टाइम हो गया है, तो हार्ट बीट चेक कर लेते हैं तो पता चल जाएगा सब कुछ कि ठीक है कि नहीं। बस अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा, सब कुछ नॉर्मल था, मतलब ये टैबलेट खाने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल था। तो ये वाली जो टैबलेट है मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप खाइए, और वो मतलब मैं ये बोलूँगी कि आपकी डॉक्टर क्या बोलती है आप उनके अकॉर्डिंग चलिए, ये दवाई कैसी है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी, आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, और ये वाली दवाई कभी भी कोई भी, अब मैं जैसे दवाई बता रही हूँ तो तुरंत आप ले मत लीजिए, उसको सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए अपने कि ये चीज़ हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तभी आप खाइए, वरना आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई कोई मेडिसिन होती है जो मेरे बॉडी को सूट कर रही है, आपकी बॉडी को नहीं सूट कर रही है, तो वो ऐसा है कि आप नहीं ले सकते हो। तो इसलिए जो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वो मैंने आपको बता दिया कि ये मेडिसिन थी,
और कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिएगा। तो ये वाली दवाई काफ़ी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। और सेकेंड टाइम, इस टाइम पे तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस बार भी मैंने ट्रैवल किया था, इस बार मैं गुजरात गई थी, मेरे नाना जी की तबीयत ख़राब थी तो मैं गुजरात गई थी, तो बाई फ्लाइट गई थी। फ़्लाइट तो गोवा भी फ्लाइट से ही गई थी, मगर वहाँ पे जाके चलना हो गया था। मगर इस बार मैं गुजरात गई तो वहाँ पे कुछ ऐसा जितना ज़्यादा चलना वाला नहीं हुआ, मगर मुझे उस बात का हमेशा से ध्यान था कि ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। तो हमेशा ड्यूफोस्टोन मेरे बैग में रहता था कभी भी, और बहुत बेफिक्र होकर मैं घूम रही थी। ऐसा लगा कि अगर कभी भी कुछ हुआ तो मैं ये मेडिसिन ले लूँगी। एक आपके पास ऐसी चीज़ रहती है ना, तो उससे आप बेफिक्र हो जाते हो कि हाँ कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऐसी चीज़ है अगर हमारा डॉक्टर नहीं है तो फिर उस केस के लिए ये बहुत अच्छी है मेडिसिन। और फिर इस बार गई गुजरात, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और सब दो तीन दिन थी, फिर उसके बाद मैं चली है। और नेक्स्ट जो पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि आपको अवॉइड करना है सेल्फ मेडिकेशन। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम क्या कोई भी बीमारी आ जाती है, जैसे फीवर हो गया या तो वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर आपको पहले से थी या कुछ भी है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन लेनी है। अगर आप बैक पेन के लिए ले रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं आजकल औरतों को, तो वो सारी चीज़ों की जो भी मेडिसिन है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है आप नॉर्मल मेडिसिन कोई सा भी खा लेंगे। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए, फिर खाइए, नहीं तो वो मेडिसिन कुछ भी रिएक्ट कर सकता है आपकी बॉडी पे, तो वो मतलब सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और अच्छी डाइट का आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। आपको जो है नारियल पानी और जितना मतलब जो वाटर से रिलेटेड है, जूस टाइप की चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको लेनी है। और मतलब कोई भी हैवी फूड बहुत ज़्यादा मत लीजिए फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। जानते हैं आप लोग, ज़्यादातर लोगों को मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, तो हैवी फूड को अवॉइड करिए और लाइट सा फूड लीजिए। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको एक बार में खाने की ज़रूरत नहीं है, तो मील में हमेशा आपके गैप होना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर पे आप खाते रहिए कुछ ना कुछ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एसिडिटी वगैरह के लिए डॉक्टर आपको ऑलरेडी मेडिसिन वगैरह देती है, और बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो ही मेडिसिन लीजिए, वरना जो है आप अजवाइन खा लीजिए काला नमक के साथ, और खाना खाने के बाद सौंफ खा लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप घरेलू वाली चीज़ें करेंगे तो उससे आपको कोई भी एसिडिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और काफ़ी अच्छे से आपका ये 3 महीने अच्छे से चले जाएंगे। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप कोई भी घर का काम कर रहे हैं, कोई भी कहीं पे भी या तो ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और ज़रा सा भी आपको पीरियड्स वाले क्रैम्प्स आ रहे हैं, जैसे जब पीरियड्स आने के पहले ऐसा लगता है कि पीरियड्स अब आने वाला है, कमर में थोड़ा थोड़ा पेन होने लगता है, उस टाइप का अगर ज़रा सा भी फील हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है पूरी तरीके से, क्योंकि पीरियड्स वाले क्रैम्प्स आने का मतलब कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो उस केस में आपको सिर्फ रेस्ट करना है, और ज़्यादातर मैं तो बोलूँगी फर्स्ट सेमेस्टर में आप जितना आराम करेंगे उतना अच्छा है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर आपके पास है पूरा काम करने के लिए, आप अच्छे से काम करिए। एक बार फर्स्ट ट्रिमेस्टर निकल गया ना, फिर तो पूरी प्रेगनेंसी आपकी बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी जाने वाली है। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में, टिल देन ओके, बाय बाय।